Okay class, welcome back. So in the previous video we had discussed about economics. Now in this video we are discussing about the types of economics. So economics is divided into two parts, microeconomics and macroeconomics. Economics को हम दो part में divide कर देते हैं, जो कि है पहला हमारे पास microeconomics और second part जो हमारे पास है वो है macroeconomics. इसको आपको इस तरीके से ये दिमाग में बिठाना है कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा. तो ऑब्वियसली बात है, जो भी हम पढ़ाई हम माइक्रो में करेंगे वो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, यानी एक स्मॉल को हम इसमें यहाँ पर ये बोल सकते हैं एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स. और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनसे एक नेशन बनता है, तो इसको हम अगर ये कहें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे देश के बारे में पढ़ते हैं तो ये गलत नहीं. ओके, लेट्स स्टार्ट. मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि इसमें आपको मीनिंग्स भी मिल जाएगा और अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि डिफरेंशिएट बिटवीन, तो वो डिफरेंशिएट भी हो जाएगा. क्लियर? सबसे पहले हम अगर इसे स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल कंज्यूमर, सेविंग एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट. मतलब इसका ये समझ में आपको समझना है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं किसकी स्टडी करते हैं, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल आदमी की जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी एक इंडिविजुअल आदमी की, हम इसी की पढ़ाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे. ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है हमारे पास, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल कंज्यूमर की, ये कुछ भी हो सकता है. कोई इंडिविजुअल फर्म की प्रॉब्लम हो सकती है, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड आपके घर की प्रॉब्लम हो सकती है, इंडिविजुअल कंज्यूमर किसी एक कंज्यूमर की प्रॉब्लम हो सकती है. और ये प्रॉब्लम कौन सी है हमारे पास, सेविंग एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट. एक इंडिविजुअल आदमी फर्म या हाउसहोल्ड कितनी सेविंग करता है, कैसे एक्सपेंडिचर करता है अपनी इनकम को और किस तरह से इन्वेस्ट करता है. जो भी ये हम पढ़ाई करेंगे कि एक इंडिविजुअल फर्म या फिर एक इंडिविजुअल हाउसहोल्ड या एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अपनी किस तरीके से सेविंग करेगा, किस तरह से वो अपना इन्वेस्टमेंट करेगा और किस तरीके से वो अपनी इनकम को एक्सपेंडिचर करेगा यानी खर्चा करेगा, इसकी पढ़ाई को ही माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को आपको इस तरीके से दिमाग में बिठाना है कि जो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे वो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड होगी. जो भी इंडिविजुअल कुछ भी काम करेगा मनी से रिलेटेड, वो सारा का सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा. उसी तरीके से अगर हम शिफ्ट होते हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब मैंने आपको बताया था एज एन होल यानी बड़ा. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल, नेशनल इनकम ADAS. इसका कहने का मतलब यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ाई हमें कराई थी वो किसी इंडिविजुअल की नहीं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इसमें आप एक नेशन को मान सकते हैं. कि अब मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर मुझे इंडिया के बारे में पढ़ना है तो मैं इंडिया के बारे में जो भी पढ़ूंगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ूंगा. अगर मुझे इंडिया के किसी एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिलायंस कंपनी के बारे में पढ़ रहा हूं, तो वो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ूंगा क्योंकि वो एक इंडिविजुअल कंपनी है. लेकिन अगर मेरे को ये पता करना है कि देश में पूरी कितनी कंपनीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने कितना पैसा कमाया, तो वो मैं पढ़ूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में. और अगर मुझे ये पढ़ना है कि पर्टिकुलरली रिलायंस कंपनी ने कितना पैसा कमाया, तो वो मैं पढ़ूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स. इसको आप इस तरीके से समझिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. ये पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी किसी एक कंट्री की, किसी एक इकोनॉमी की, वो हम इसमें पढ़ेंगे. इसमें कौन सी वो प्रॉब्लम्स होती हैं या कौन सी वो टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, एक देश ने पूरा पैसा कितना कमाया. एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, पूरे देश में पर्टिकुलर एक चीज की डिमांड क्या है. अगर मैं ये बोलता हूं कि एक इंडिविजुअल कहता है कि मेरे को कोलगेट पसंद है, तो ये मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा हूँ, ये एक इंडिविजुअल डिमांड है. लेकिन अगर मैं ये पढ़ता हूँ कि कोलगेट की डिमांड ऑल ओवर इंडिया में कितनी है, वो एग्रीगेट डिमांड कहलाएगी, यानी वो एक देश की डिमांड है. उसी तरह से AS मतलब एग्रीगेट सप्लाई, कि एग्रीगेट सप्लाई टोटल सप्लाई एक इकोनॉमी में कितनी हो रही है. अगर मुझे इन टॉपिक्स पे पढ़ना है तो ये मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ूं.
सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री, यानी कि अगर मुझे ये पता करना है कि एक इंडस्ट्री ने, किसी भी एक फर्म ने या इंडस्ट्री ने कितना प्रोडक्शन, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन, कितनी चीज प्रोड्यूस करी और उसका प्राइस क्या है, तो ये मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ूंगा। और अगर यही चीज को मेरे को मैक्रो में पढ़ना है तो यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा, डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल, यानी टोटल इंडिया में किसी एक फर्म ने, मतलब एक फर्म की सॉरी, टोटल इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया, टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, उन जो उन्होंने प्रोडक्शन किया उसका प्राइस लेवल क्या है, उसका प्राइस क्या है, अगर मुझे ये पढ़ना है एज ए नेशन को देख के, एक देश को देख के, तो ये मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ूंगा। ठीक है, सो बेसिकली आपको माइक्रो और मैक्रो को इसी तरह से याद रखना है कि माइक्रो में हम जो भी स्टडी करेंगे एक इंडिविजुअल से रिलेटेड करेंगे, और वो स्टडी क्या होगी इंडिविजुअल की, कि इंडिविजुअल की सेविंग कितनी है, इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, इस टाइप से हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें आता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एक पूरा नेशन आ गया, देश आ गया, इसमें हम ये पता करेंगे कि देश की नेशनल इनकम क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ये हम मैक्रो में पढ़ेंगे। सो ये तो था इकोनॉमिक्स के टाइप। अब जैसे हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इकोनॉमी रहेगा, और उसके बाद का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट तो हमने इकोनॉमिक्स वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आज का जो हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो है इकोनॉमी। तो अभी हम बात करते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है। कई लोग सोचते हैं इकोनॉमिक्स भी एक है, इकोनॉमी भी एक है, प्रोनंसिएशन में कई बार इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एक जैसा लग जाता है तो लोग एक ही चीज समझते हैं, लेकिन हमें इसे ऐसा नहीं समझना है। इकोनॉमी का मतलब क्या है अभी हम ढंग से समझेंगे। इट इज द स्टडी दैट हाउ people earn their living in a particular area. इकोनॉमी को हम इस तरह से समझते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कैसे अपनी लिविंग, यानी अपना जो भी वो कमाते हैं पैसा कैसे कमाएंगे, इसी को हम इकोनॉमी बोलते हैं। इसको हम ऐसे समझेंगे कि बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात कर लेते हैं, ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूं समय, यानी कि जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय इंडिया कैसे पैसे कमाता था, कैसे अपनी लिविंग को पूरा करता था। तो इंडिया के पास सिर्फ एक ही जरिया था पैसा कमाने का, वो था एग्रीकल्चर। एक ही जरिया था एग्रीकल्चर। तो उस समय इंडिया की जो इकोनॉमी हम कहते थे कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, तो इंडियन इकोनॉमी उस समय एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहलाई जाती थी। पर्टिकुलर एक फील्ड, मैंने बोला था जैसे इसमें लिखा है ना पर्टिकुलर एरिया, तो हमारा पर्टिकुलर एरिया एक ही है कि हम लिविंग कैसे कमा रहे हैं, हमारे पास एक ही जरिया था वो था एग्रीकल्चर। तो उस समय जो भी हम लिविंग यानी जो भी हम पैसा कमा रहे थे वो किस चीज से कमा रहे थे, किस जरिए से कमा रहे थे, एग्रीकल्चर के लिए। तो इसीलिए बिफोर इंडिपेंडेंस, और इसको अगर हम ये भी बोले कि आफ्टर कुछ टाइम तक इंडिपेंडेंस, क्योंकि देश आजाद होने से पहले और देश आजाद होने के बाद भी कुछ टाइम तक हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, क्योंकि हमारी जो भी अर्निंग होती थी सिर्फ एग्रीकल्चर से ही होती थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस यानी देश आजाद होने के बाद भी कुछ टाइम तक तो हम एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड थे, लेकिन आफ्टरवर्ड्स हमने क्या शुरू करी, इंडस्ट्री शुरू करी। और आज
जो इंडिया पैसा कमा रहा है, अपनी लिविंग जो कमा रहा है वो किस बेसिस पे कमा रहा है, इंडस्ट्रीज के, मेजर इंडस्ट्री के बेसिस पे, एग्रीकल्चर बेसिस पे भी है लेकिन कम। लेकिन आज जो हम अपनी लिविंग ज्यादातर कमाते हैं वो किस बेसिस पे कमाते हैं, इंडस्ट्री के बेसिस पे। तो आज जो इंडियन इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन गई है। क्या बन गई है? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। सो इसी का मतलब इकोनॉमी होता है। इकोनॉमी का कहने का मतलब यही होता है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर एरिया में हम अपनी लिविंग को अर्न कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं किसी एक फील्ड से, उसी को इकोनॉमी कहा जाएगा। आज के टाइम, पहले के टाइम पे हम सिर्फ एक ही जरिया था पैसा कमाने का, जो था एग्रीकल्चर। तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कहा जाती थी एग्रीकल्चर इकोनॉमी। आज हमारे पास इंडस्ट्रीज भी है, सर्विस सेक्टर भी है, आज के टाइम पे हमारे पास सर्विस सेक्टर भी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया है जहां से हम क्या कर रहे हैं, अपनी अर्निंग को कमा रहे हैं। जो लोग इंडस्ट्री से पैसा कमा रहे हैं उनकी इकोनॉमी कौन सी हो गई, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। जो लोग सर्विस सेक्टर से पैसा कमा रहे हैं उनकी इकोनॉमी हो गई सर्विस इकोनॉमी। तो इसी को हम इकोनॉमी कहते हैं, जिस जगह से हम पैसे को कमाते हैं, अपनी अर्निंग करते हैं लिविंग के लिए, इसी को हम इकोनॉमी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। मैंने आपको इकोनॉमी का मतलब समझा दिया है। अभी हम जो आगे डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी एक इकोनॉमी, चाहे वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, सर्विस इकोनॉमी, कोई सी भी एक इकोनॉमी पर्टिकुलरली हम यहाँ पे एक मान के चलते हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें प्रॉब्लम क्या क्या अराइज होती है। तो कोई भी इकोनॉमी हो उसमें प्रॉब्लम मेजर तीन ही है जो अराइज होती है। जो फर्स्ट हमारे पास आती है वो आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, इसे हम यहाँ पर सेंट्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारी इकोनॉमी की एक ही जैसी प्रॉब्लम होती है, इसलिए बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। ये सबसे पहली प्रॉब्लम जो है, ये नाम से ही पता चल रहा है, क्या प्रोड्यूस कर। हाउ मच क्वांटिटी। जो पहली प्रॉब्लम हमारे पास सामने अराइज होती है वो यही अराइज होती है कि मुझे क्या चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी चाहिए। अगर कोई ये सोचता है कि फॉर एग्जांपल ये सोच रहा है कि उसको एक नया बिजनेस शुरू करना है, तो सबसे पहले तो उसके दिमाग में यही आएगा ना कि मैं किस चीज का बिजनेस करूं, क्या चीज प्रोड्यूस करूं, क्या बनाऊं। फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में अगर आ गया कि मैं एक बिजनेस शुरू करता हूं जिसमें मैं सोप बनाऊं, चलो मेरा पहले चीज तो क्लियर हो गई कि व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड मेरा जो आता है हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में बनाऊं, सबको सोप ही चाहिए क्या, सब जितनी अमाउंट। अगर मैं ये सोच के चलूं कि इंडिया है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ से पार है, तो मैं 130 करोड़ सोप बना दूंगा क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि जरूरी थोड़ी सारे के सारे लोग मेरा ही सोप खरीदेंगे। So, सबसे पहली प्रॉब्लम किसी भी इकोनॉमी में यही आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी, क्या मैं प्रोड्यूस करूंगा और कितनी क्वांटिटी में मैं उसको प्रोड्यूस करूंगा, सबसे पहली प्रॉब्लम ये है। सेकंड प्रॉब्लम अगर हमारे पास जो आती है यहां पर सेंट्रल की, वो आती है हाउ टू प्रोड्यूस। जब फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर मेरे पास आ जाता है कि मुझे क्या बनाना चाहिए, तो एकदम से मेरे पास दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है हाउ टू प्रोड्यूस, कि इस चीज को मैं कैसे प्रोड्यूस करूं, कैसे बनाऊं। यहां पर मेरे पास दो टेक्निक आ जाती है, लेबर इंटेंसिव सेकंड आ जाती है कैपिटल इंटेंसिव।
यहाँ पर जो मेरे पास जो प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस की, इसमें मेरे पास ये प्रॉब्लम है कि मेरे को ये चीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन सी टेक्निक से अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करूंगा। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है लेबर की मदद से, वर्कर्स की मदद से। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है मशीनों की मदद से। तो यहाँ पर जो मेरी सेकेंड प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि मुझे ये डिसाइड करना होता है कि मैं अपना जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो किस मेथड से यूज करूंगा, लेबर से यूज करूंगा, कैपिटल से यूज करूंगा। इसे सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमने गलत डिसीजन ले लिया तो बिजनेस को लॉस हो सकता है। अगर मैं बात करता हूँ लेबर इंटेंसिव की, तो यहाँ पर लेबर सस्ती तो पड़ती है लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। कैपिटल इंटेंसिव की बात करूं अगर मैं, तो कैपिटल इंटेंसिव में मशीन से प्रोड्यूस होगा सामान, क्वालिटी तो अच्छी रहेगी लेकिन मशीन की जो प्राइस है वो ज्यादा महंगा है, तो प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा। तो मुझे सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा यहां पर कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, जो चीज मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो लेबर से आसानी से प्रोड्यूस हो सकता है क्या, नहीं तो वो मशीनों से प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो मुझे यहां पे ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड जो लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो आती है हुम टू प्रोड्यूस। ये जो हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है, फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम के बाद इनके आंसर निकलने के बाद हमारे पास आती है हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि जो भी मैं प्रोडक्ट अपना प्रोड्यूस कर रहा हूं, जो भी चीज मैं प्रोडक्शन करूंगा वो मैं किसके लिए प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। आज के टाइम पे हमारे पास कितनी सारी वेराइटीज आती है, अगर हम बात करें कि अगर मैं सिर्फ एक नॉर्मल कोई भी अगर हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, सोप ही, चलिए हमने सोप ले लिया, तो सोप में भी कितनी सारी वेराइटी है। बेबी सोप आता है, वुमेन्स के लिए अलग सोप आता है, मेंस के लिए अलग सोप आता है। क्रीम की बात करें तो क्रीम भी कितनी सारी वेराइटीज आ जाती है हमारे पास, फेस क्रीम की, बेबीज के लिए, बच्चों के लिए अलग आती है, फीमेल्स के लिए अलग आती है, मेंस के लिए अलग आती है। यहां पर ये नया क्वेश्चन अराइज हो जाता है हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये जो मेरी तीन प्रॉब्लम है, ये तीन प्रॉब्लम मेरी आती है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस, ये मेरी तीन प्रॉब्लम है। क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, किसके लिए बनाऊं, ये मेरी तीन प्रॉब्लम है। सो इन दिस क्लास हम अभी इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ये पढ़ेंगे सॉल्यूशन फॉर सेंट्रल प्रॉब्लम, यानी कि जो भी हमने प्रॉब्लम पढ़ी है इनका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इनके आंसर को निकाला जाता है, और पीपीसी क्या होता है, पीपीसी मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसके बारे में और सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में अपना यानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।